क्योंकि सुब्रमण्यम जी का ये पहला प्रोग्राम है और मैंने भी कई ज्योतिष सम्मेलन अटेंड करे हैं। मैं ये ज्योतिष सम्मेलन 14-15 साल के बाद मैं किसी ज्योतिष सम्मेलन में आ रहा हूँ और सुब्रमण्यम जी का इतना प्यार, उनके बात करने की जो कला है वो इतनी अच्छी मीठी है कि कोई भी आदमी रुक नहीं सकता एक बार उनसे बात करके। अगर ये बड़ा ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर, सुब्रमण्यम जी के ऊपर। अब देखिए इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ है, ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं भी समझता हूँ और कल से मैं सुब्रमण्यम जी का चेहरा देख रहा हूँ। और हम एस्ट्रोलॉजर अगर चाहे किसी भी विद्या में पारंगत हो, लेकिन थोड़ा बहुत चेहरा पढ़ना तो हम लोग जानते हैं। राम जी सही कहा मैंने, थोड़ा बहुत चेहरा पढ़ना तो हम लोग जानते हैं। अब मैं आपको अपना परिचय दूँ। मेरा नाम मनीष रावत है और बेसिकली आई एम फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। और भामी जी जिन गलियों से निकल के ज्योतिष सीखे हैं, कल वो कहा होना कि हम ज्योतिष नहीं सीखे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस संगत में ज्योतिष सीखे हैं, जिन गलियों में से और जिन गुरु से सीखे, मेरा भी ईश्वर की कृपा से 14-15 साल वही सानिध्य उन्हीं गुरु में उठना बैठना रहा। भामी जी अभी नहीं है, लेकिन मैं 2012 से हैदराबाद में सेटल हूँ। तो बेसिकली मैं अभी हैदराबाद से ही आप लोगों के पास यहाँ आया हूँ। तो देखिए समय कम है और 5-7 मिनट में ही हमको बात पूरी करनी है, तो दिमाग में तो बहुत कुछ था कि बहुत बोल पाए, लेकिन सभी के सामने बोलने की हिम्मत तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत, कई बार क्या होता है ना कि दिया तले अंधेरा होता है, ये सब लोग सूर्य हैं, ये कई बार कुछ चीजें दिमाग से भी इधर उधर निकल जाएगी, तो मैं तो प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो मेरे दिल में है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, वो बड़ा काफी समय से है और मैं चूंकि 14-15 साल का किसी सम्मेलन में मैं आया हूं, तो जरूर कहना चाहूंगा हम लोग एस्ट्रोलॉजर करते क्या है कि जब भी हम लोग कंपेरिजन करते हैं ज्योतिष विज्ञान का चिकित्सा विज्ञान से जोड़ने के लिए, और बिल्कुल जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप लोगों में सबसे बड़ी हम लोगों में कमी क्या है कि अपने आप को हम स्वयं भू समझ लेते हैं। गांव का एक अगर डॉक्टर होगा वो केस अगर नहीं संभाल पाएगा तो दिल्ली या बेंगलोर हैदराबाद भेज देगा। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए, आप लोग कभी अपने सीनियर के पास केस नहीं भेजेंगे। रामा जी गलत बोला मैंने भाई, मैं 2002 में जब मैंने ज्योतिष कार्यालय ग्वालियर में छोटा सा खोला, तो मेरे गुरु ने मुझे यही शिक्षा दी कि बेटा किसी से अगर आप पैसे ले रहे हैं किसी यजमान से, तो उसका गलत नहीं होना चाहिए और निश्चित तौर पर इससे आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है ना। अगर उसके सामने अगर आप फोन भी करके अपने सीनियर से गुरु से पूछ रहे हैं, तो उसको ट्रीटमेंट तो सही मिलेगा ना। कम से कम ऐसा तो नहीं कि बाहर जाके बोलेगा अरे आपको अष्टमेश बना दिया किसी ने, ये गलत बना दिया आपको किसी ने, कौन बेवकूफ है मेरी फोन पर बात करो, ये सुनने को आपको नहीं मिलेगा। उससे अच्छा कि आप जहां जो भी सीखे हैं, जिन गुरु से आप सीखे हैं, अगर 2 मिनट फोन करके अगर आप पूछ रहे हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई छोटा होगा और आपकी यजमान के ऊपर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान को ज्योतिष विज्ञान से कंपेरिजन करना, तो निश्चित तौर पर आपको इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम अपने आप को स्वयं को समझ लेते हैं और ठीक है ले लिया कर लिया लक्षण अच्छी बात है, लेकिन बाद में जाके हमारा नाम खराब होता है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर मेरी बात माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, जो मेरे दिल में था, सिंह राशि वाला आदमी हूँ, विश्व लगन है, तो बोलो जो चुपूंगा नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो, सही है। और देखिए कल जो है भामी जी ने एक बात कही कि मेरी कुंडली देख के लोग कहते थे अरे क्या जो तो सीखेगा ऐसी कुंडली एक तरफ फेंक दो, यही सेम हालत मेरे साथ है। लेकिन कल उन्होंने भी विपरीत राजयोग के बारे में बताया था कि षष्ठी यदि अष्टम में हो तो कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग काम कर जाता है, तो मेरी कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी धर्मपत्नी की कुंडली के मेष लग्न में सप्तम भाव में चंद्रमा गुरु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है दालोड़ी चल रही है। तो यही है, एक बच्चा में प्रभाव तो रहता है। और दो बेटियां पैदा हुई जुड़वा रिद्धि सिद्धि नाम उनके, कर्म लग्न में लग्न में चंद्रमा है, भाग्य में उच्च का शुक्र है, तो उनके आने के बाद भी कुछ ना कुछ प्रभाव मिला। बेटा पैदा हुआ तो सप्तम में उच्च का शुक्र शनि है, चौथे घर में उच्च का गुरु है, कन्या में राहु है, मेष लग्न है, तो उसके पैदा होने के बाद कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे अपने जो है दाल से जो है
और सबके पूरे प्यार है, यही चीज है। लेकिन हाँ थोड़ा सा कम समय है, बोलना चाहूंगा। देखिए मेरे साथ बहुत पुण्यियां आपके समय में आती है, इन लोगों के सामने मैं क्या बोलूंगा कि हर पुण्य में देखो कालसर्प दोष, कालसर्प दोष, कालसर्प दोष, कालसर्प दोष। लोग ये नहीं जानते व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कालसर्प दोष एंड कालसर्प योग। अगर आप कालसर्प दोष और योग में जमीन आसमान का अंतर है, आप धीरूभाई अम्बान की पुण्य देखिए, लता मंगेशकर की पुण्य देखिए, सचिन तेंदुलकर की पुण्य देखिए, इन सभी पुण्य में आपको कालसर्प योग मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम राहु को बोलते हैं ड्रैगन हेड और केतु को बोलते हैं ड्रैगन टेल, यानी भूत है। हमने बचपन से कहानियां सुनी है कि भूत के पैर पीछे और मुंह आगे होता है। सिर्फ सारे ग्रह ज्योतिष में एंटी क्लॉक चलते हैं, एक राहु केतु है जो क्लॉक वाइज चलते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी चीज नहीं देख पाते, राहु सप्तम लग्न में है, सप्तम में केतु है और सारे ग्रह का एंटी क्लॉक है, तब भी हमने बोल दिया कालसर्प दोष। राहु की सही कहा मैंने आपको। तो योग और दोष दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप इस समझ कुंडली देखने के बाद ये देखिए आप कि कुंडली में योग है या दोष है। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कालसर्प दोष और कालसर्प योग, ये आपको समझना होगा। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो बहुत समय से मैं रुक था, समय कम है, अभिता एक कंटिन्यू मुझे देख रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का नमस्कार चाहूंगा और इतना मुझे बोलने का समय दिया। लेकिन जो बात से मैं शुरू किया था वो आप ध्यान रखिएगा और आप तक इस प्रोग्राम आप सुब्रमण्यम जी से जरूर बात करिएगा। धन्यवाद।